आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ भुट्टे का बिल्कुल ही दो नए रेसिपी, जो बनाना भी आसान है और खाने में भी बहुत ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। हेलो फ्रेंड्स, इजी टू कुक फूड में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो चलिए मैं रेसिपी को शुरू करती हूँ। यहाँ पर मैंने दो ताज़े भुट्टे लिए हैं और इसे मैं डायरेक्ट गैस पर सेक लेती हूँ, इससे टेस्ट है जो बहुत ही अच्छा आता है। तो यहाँ पर एक भुट्टे को मैंने अच्छे से सेक लिया, ये देखिए, तो इसका जो छिलका है मैं निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पर छिलका है जो मैंने भुट्टे से निकाल लिया है और इसका दाना मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। यहाँ पर सारे दाने को मैंने निकाल लिया है और एक मैंने यहाँ पर मिक्सी जार लिया, इसमें दाने को डाल देती हूँ और इसे बिल्कुल दरदरा मैं पीस लेती हूँ, ये देखिए बिल्कुल इस तरह का। तो इसे साइड में रख दिया है। एक कप मैदा लिया है, दो बड़े चम्मच तेल और स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा कलौंजी और थोड़ा सा अजवाइन डाला है, थोड़ा सा पानी डाल के बिल्कुल ही सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है और इसे ढक के साइड में भी रख दिया है। गैस पर मैंने पैन रखा है, दो चम्मच मैंने मक्खन डाला है, गर्म हो गया है मक्खन, तो इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाला है, पिसा हुआ भुट्टे को डाल दिया है और मिला देती हूँ। अगर आपके पास मक्खन नहीं है तो इसके जगह घी या तेल भी डाल सकते हैं। तो 2 मिनट तक ढक्कन से इसे ढक दिया है। तो प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो गया था तो इसमें बॉयल किया हुआ मसला हुआ आलू को डाला है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और 1 चम्मच मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाला है, आधा चम्मच मैंने इसमें चाट मसाला डाला है और स्वाद अनुसार मैंने इसमें नमक डाला है। सभी को मिला लेती हूँ और इसे 2 से 3 मिनट तक भूंज लेती हूँ। इसे टेस्ट है जो आलू के मिश्रण में बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो गया है, बिल्कुल रेडी हो गया, तो इसे साइड में रख दिया है। यहाँ पर मैदे में से मैं तोड़ लेती हूँ। अब बड़े साइज को मैंने यहाँ पर गोला बनाया है, ये देखिए, और यहाँ पर सूखा मैदा में इसे थोड़ा सा मिला ली हो और इसे बेल लेती हो। तो ये देखिए बड़े साइज को मैंने यहाँ पर रोटी बेला है और यहाँ पर मैं इसे पीसेस में इस तरह से काट लेती हो। तो यहाँ पर मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर आलू का मिश्रण ठंडा हो गया है तो इस तरह से लंबे आकार में इसे शेप दिया है। तो कटा हुआ पीसेस पर इस तरह से रख के और हल्के हाथे से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। कॉर्नर को हल्के हाथे से आप चिपका दीजिए, इसे खुलेगा भी नहीं। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया है, एक एक करके मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे मीडियम गैस पर 3 से 4 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो दूसरी साइड यहाँ पर मैंने पलट दिया है और इसी तरह उलट पलट कर गोल्डन ब्राउन होने तक मैंने इसे फ्राई कर लिया है। बचा हुआ आलू का मिश्रण में मैंने 1 बड़ा चम्मच बेसन डाला है और अच्छे से इसे मिला लिया है। तो थोड़ा सा मिश्रण को हाथ पर लेकर इस तरह से कटलेट का शेप दे दिया है। आप चाहे तो अपने मनपसंद शेप भी इसे दे सकते हैं। और बचा हुआ जो तेल था इसी में मैं इसे भी फ्राई कर लूँगी। तो इसे भी दूसरी साइड पलट दिया है और ये दोनों तरफ अच्छे से फ्राई हो गया है, तो इसे भी मैं निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर घर में मक्के पड़े हो तो आप ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। यहाँ पर मैंने टमाटर सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहे तो इसे अपने मनपसंद चटनी सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। ये देखिए अंदर तक कितना ही देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक बार फ्रेंड्स मेरे तरीके से घर पर ज़रूर बनाकर देखिए। अभी बारिश का मौसम है, भुट्टे भी आसानी से मार्केट में मिल जाता है, तो एक बार ज़रूर से घर पर लाकर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी को, आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।